कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आयोजक एवं निवेदक जैन समाज नोएडा, संरक्षक महावीर जैन, डॉक्टर एसपी जैन, राकेश जैन, अध्यक्ष पवन कुमार जैन, उपाध्यक्ष निर्मल कुमार जैन, सचिव अजय जैन, कोषाध्यक्ष सुभाष चंद्र जैन, सह सचिव चंद्र प्रकाश जैन, प्रबंधक सुबोध कुमार जैन, सदस्य एमपी जैन, राजीव जैन, दिनेश जैन, प्रमोद जैन, संदीप जैन। जय जिनेन्द्र। दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आदिनाथ टीवी चैनल के कार्यक्रम चातुर्मास मंगल कलश स्थापना समारोह में। दर्शकों, उत्तर प्रदेश के नोएडा सेक्टर 27 के B73B स्थित भगवान महावीर दिगंबर जैन बड़ा मंदिर में चारित्र्य चक्रवर्ती आचार्य श्री 108 शांति सागर जी महाराज के अक्षुण परंपरागत वर्तमान सप्तम पट्टाचार्य श्री 108 अनिकांत सागर जी मुनिराज ससंघ की 2 जुलाई 2023 को चातुर्मास मंगल कलश स्थापना समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें नगर के भक्तों ने सम्मिलित होकर गुरु भक्ति का पूर्ण लाभ प्राप्त किया। तो आइए देखते हैं इस कार्यक्रम की पावन झलकियां। उत्तर प्रदेश के नोएडा स्थित सेक्टर 27 के B73 स्थित भगवान महावीर दिगंबर जैन बड़ा मंदिर में चरित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज के अक्षुण परंपरागत वर्तमान सप्तम पट्टाचार्य श्री अनिकांत सागर जी मुनिराज ससंग की 2 जुलाई 2023 को चातुर्मास मंगल कलश स्थापना समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सर्वप्रथम भक्तों ने मंदिर जी पहुंचकर जिनेन्द्र प्रभु का अभिषेक एवं शांति धारा का लाभ प्राप्त किया। तदुपरांत आचार्य श्री जिनेन्द्र प्रभु के दर्शन करने के बाद ढोल नगाड़ों के साथ कार्यक्रम स्थल पहुंचते हैं। कार्यक्रम स्थल पहुंचकर सर्वप्रथम आचार्य श्री के सानिध्य में सौभाग्यशाली भक्तों ने धर्म ध्वज फहराकर कार्यक्रम को गति प्रदान की। ध्वजारोहण होने के बाद आचार्य ससंग मंचासीन होते हैं, जहां पहुंचकर भक्त गुरुदेव का आशीष प्राप्त करते हैं। तदुपरांत सौभाग्यशाली भक्तों ने पूर्वाचार्यों का चित्रानावरण किया। इसी दौरान कर्नाटक स्थित धर्मस्थल मंदिर के धर्माधिकारी पद्म भूषण से सम्मानित एवं जैन समाज का गौरव डॉक्टर श्री वीरेंद्र हेगड़े जी सभा में उपस्थित होकर पूज्य आचार्य श्री से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इसके बाद उपस्थित विद्वत जनों ने अपने विचार व्यक्त करते हुए डॉक्टर श्री वीरेंद्र हेगड़े जी की उपलब्धियों का वर्णन किया। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री अनिकांत सागर जी महाराज श्री के चरणारविंद में अत्यंत श्रद्धा पूर्वक नमन करते हुए आज हम सब बड़े उत्साह के साथ, बड़े गौरव के साथ, बड़े सम्मान के साथ परम पूज्य आचार्य श्री का 25वां वर्षायोग स्थापना समारोह के लिए यहाँ पर उपस्थित है। इस गरिमामय समारोह में वर्षायोग स्थापना के सु अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में सुदूर कर्नाटक से धर्माधिकारी डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े जी उपस्थित हैं। सर्वप्रथम मैं नोएडा जैन समाज की ओर से आदरणीय डॉक्टर साहब का अत्यंत सम्मान पूर्वक स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। पूज्य हेगड़े जी रत्न वर्मा के सुपुत्र हैं, रत्नम्मा के लाडले हैं, रत्नगिरी के निर्माता है, लोकवंद त्यागवीर, अहिंसा से सुख, त्याग से शांति, मैत्री से प्रगति और ध्यान से सिद्धि के संदेश प्रदाता,
भगवान बाहुबली के आप प्रतिष्ठापक हैं। तदुपरांत विशिष्ट अतिथि डॉक्टर श्री वीरेंद्र हेगड़े जी ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम को गति प्रदान की। स्थल विराजमान मूल नायक श्री चंद प्रभु तीर्थंकर। तदुपरांत आचार्य श्री के मुखारविंद से मुखरित मंत्रों के साथ डॉक्टर श्री वीरेंद्र हेगड़े जी द्वारा प्रभु एवं गुरु चरणों में क्रमानुसार अर्घ्य समर्पित किए। चतुर्विंशति तीर्थंकर परमदेव चरणारविंदाय श्री वीरेंद्र हेगड़े परिवार द्वारा। इसी क्रम में हेगड़े जी ने पूज्य आचार्य श्री अनिकांत सागर जी महाराज के श्री चरणों में अर्घ्य समर्पित किए। अर्घ्यम निरपामते स्वाहा। इसके बाद उपस्थित समस्त महानुभावों को पूज्य आचार्य श्री का मंगल प्रवचन श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। जिन जीवों का पुण्य होता है इस तीन लोक में और तीन काल में सबसे ज्यादा पुण्यशाली एक होते हैं वह है जो तीर्थंकर प्रकृति का बंद करते हैं। उनके लिए दुनिया के हर चीज अनुपम और अद्वितीय और अद्भुत हुआ करती है। ऐसे तीर्थंकर जैसा पुण्य कि जिनके गर्भ में आने के 6 माह पहले से क्या होती है, रत्नों की वृष्टि। चतुर्णी काय के देव भगवान के मां की सेवा में लग जाते हैं। ऐसा तीन लोक में यदि पुण्य का एंटी पीस और अनुपम पीस होते हैं, कौन होते हैं, तीर्थंकर भगवान। लेकिन तीर्थंकर भगवान जो 13वें गुण स्थान में संयोग केवली हुआ करते हैं वह बीतराग होते हैं और सर्वज्ञ होते हैं और हितोपदेशी होते हैं। लेकिन बीतराग सर्वज्ञ भगवान के समोसरण में भी भगवान पुण्यशाली को महत्व देते कि भगवान की ध्वनि 3 बार और 4 बार खिलती है। इसके बाद नोएडा की समाज द्वारा महान व्यक्तित्व के धनी डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े जी का भव्य रूप से स्वागत सम्मान किया गया। इस उपलक्ष्य पर हेगड़े जी द्वारा दिव्य मांगलिक घोष के पट का उद्घाटन किया गया। आचार्य शांति सागर जी महाराज की। तदुपरांत विशिष्ट अतिथियों द्वारा आचार्य श्री अनिकांत सागर जी महाराज का पाद प्रक्षालन किया गया। इसके बाद डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े जी ने आचार्य श्री के चरणों में अपने विचार व्यक्त किए। मैं इधर महाराज जी का सेवा करने का मौका मुझे मिला था। हमारी संस्था है धारवाड़ में, धर्मस्थल से 500 किलोमीटर दूर एक संस्था है। महाराज जी दीक्षा लेने के पहले कहते थे मुझे संस्कृत सीखना है, बहुत मुनियों को संस्कृत की भाषा के ऊपर प्रभुत्व नहीं है इसलिए मुझे सीखना है। तो मैंने एक पंडित से कहा थोड़ा उनकी सिखाओ, वो सिखाया। और बाद में महाराज जी का एक कंप्लेंट था, वो कहते थे मुझे ये स्पीड नहीं चलता है, बहुत आराम से पाठ रहते हैं, मुझे जल्दी चाहिए, जल्दी दीक्षा लेना चाहिए। तो वो विद्वान ने मुझसे कहा ये क्या बात है, दीक्षा लेने के लिए इतना अर्जेंट है क्या, इतना जल्दी है क्या, क्या होगा। मैंने कहा नहीं नहीं, उनको बहुत जल्दी दीक्षा लेना है इसलिए उनको ज़्यादा स्पीड से सिखाओ। तदुपरांत गुरुदेव ने मंत्रोच्चार के साथ हेगड़े जी के संपूर्ण परिवार को मंगल आशीर्वाद प्रदान किया। महावीर स्वामी तीर्थंकर परमदेव भक्ति पूजा प्रसादा धर्माधिकारी डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े हेमा हेगड़े सुरेंद्र हेगड़े हरसेंद्र हेगड़े सपरिवार सर्व शांति भवतु आरोग्य लाभम भवतु धन धान्य ऐश्वर्य कीर्ति बुद्धि वर्धनम भवतु शामोदो प्रमोदो भवतु शांतिर भवतु तुष्टिर भवतु। इसके बाद चातुर्मास कमेटी द्वारा अन्य महानुभावों का भी स्वागत सम्मान किया गया। इसी पावन श्रृंखला में नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा मनमोहक प्रस्तुति दी।
महत्व बतलाते धवला पुस्तक एक वीरसेन आचार्य ने जो लिखा है, फिर इसके बाद तिल्लोक परिणति ग्रंथ पंचास्तिकाय, इनमें सब में चेतन और अचेतन दो प्रकार के मंगल कहे गए। चेतन मंगल कौन है? इस दुनिया में सर्वप्रथम तीर्थंकर भगवान चेतन मंगल है, और चेतन मंगलों में उनके बाद हैं ये निर्ग्रंथ मुनि, ये चेतन मंगल हैं, ये चेतन तीर्थ हैं, ये लघुनंदन हैं, ये मंगल हैं। फिर और चेतन मंगल में वालिका, जैसे बच्चों ने नृत्य किया। कलश क्लेश को दूर करने के बाद क्या होगा? परिवार में समृद्धि आएगी। हम दरिद्र इसलिए हैं, प्रतिदिन लड़ रहे हैं, प्रतिदिन झगड़ रहे हैं, क्लेश कर रहे हैं। तदुपरांत चातुर्मास के मंगल कलश प्राप्त करने वाले भक्तों का भी स्वागत सम्मान किया गया। प्रभु तू सहारा, पालिया पालिया तेरा द्वार, प्यारा तेरा द्वार पालिया। इसके बाद उपस्थित महानुभावों को गुरुदेव द्वारा मंगल कलश प्रदान किया गया। कार्यक्रम के मध्य में ही इसके बाद पुण्यशाली भक्तों ने आचार्य श्री को मां जिनवानी प्रदान कर आशीर्वाद प्राप्त किया। तदुपरांत भक्तों ने आचार्य श्री के श्री चरणों में अर्घ्य समर्पित किया। इस वर्षायोग स्थापना के महोत्सव के निमित्त से भारत के जैन समाज के सर्वोपरि डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े जी आए थे, तो उनके ऊपर आपने पुष्प वर्षा की। भगवान के ऊपर भी रत्नों की वर्षा होती है, और इस चातुर्मास में जल वृष्टि भी बरसता है। तो वर्षा में क्या होता है? व्यक्ति गीला होता है, लेकिन उस वर्षा में सिर्फ तन गीला होता है। इस वर्षा योग में यहां पर धर्म की वर्षा होती है। वह धर्म की वर्षा से आपका अंतरंग, श्रवणों का और श्रावकों का अंतरंग से उसमें अवगाहना करके डूब जाना, किसके? धर्म की वर्षा में अपने आप का आत्मसाद, तादात्म संबंध,
धर्म के माध्यम से धर्मात्मा बन जाना, धर्मात्मा से महात्मा बन जाना, और महात्मा से एक दिन परमात्मा बन जाने का नाम क्या है? वर्षा योग। शब्द का अर्थ लौकिक व्यवहार में जो चल रहा है वो दिख रहा है। योग आप किसे कहते हैं? प्राणायाम करना, वॉकिंग करना, ये योग शारीरिक योग है। मोक्ष मार्ग में शारीरिक योग के साथ मानसिक योग होता है। अपनी आत्मा को, शरीर का मैनेजमेंट तो रखना ही, हम स्वस्थ रहे, शरीर स्वस्थ रहे, ये योग तो संसारी सभी करते हैं, लेकिन इसे जैन धर्म में आध्यात्मिक योग, धार्मिक योग से अपने मन वचन काय को और आत्मा का शुद्धिकरण और पवित्रीकरण कर लेने का नाम है वर्षा। ये ट्रेनिंग सेंटर है वर्षा योग। क्या है? आप लोग कभी भी कोई बिजनेस के मैनेजमेंट करते हैं, MBBA करते हैं, डॉक्टरी के लिए करते हैं, इन सब के लिए आपको ट्रेनिंग दी जाती है, मिलिट्री में ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ पर भी ना 4 महीने में हमारी आत्मा से परमात्मा कैसे बना जाता है, इसकी ट्रेनिंग जहाँ दी जाती है उसे क्या कहते हैं? वर्षा। ये लेबोरेटरी है, ये प्रयोगशाला है। यहाँ प्रयोगशाला में क्या करते हैं? H+O2=HO2। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिला देने से पानी बनाते हैं आप लोग। यहाँ पर भी ये आध्यात्मिक प्रयोगशाला है। इस प्रकार से चातुर्मास मंगल कलश स्थापना समारोह का सानंद रूप से समापन हुआ। दर्शकों, नोएडा के भगवान महावीर दिगंबर जैन बड़ा मंदिर में सप्तम पट्टाचार्य श्री 108 निकांत सागर जी मुनिराज ससंग का बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ चातुर्मास मंगल कलश स्थापना समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर नगरवासियों में अपार उत्साह और उमंग दिखाई दिया। दर्शकों, इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आयोजक एवं निवेदक जैन समाज नोएडा, संरक्षक महावीर जैन, डॉक्टर SP जैन, राकेश जैन, अध्यक्ष पवन कुमार जैन, उपाध्यक्ष निर्मल कुमार जैन, सचिव अजय जैन, कोषाध्यक्ष सुभाष चंद्र जैन, सह सचिव चंद्र प्रकाश जैन, प्रबंधक सुबोध कुमार जैन, सदस्य MP जैन, राजीव जैन, दिनेश जैन, प्रमोद जैन, संदीप जैन।